और यहाँ स्नेल बैंगन सब डाल दिया है। देख ये देखो कितना ज्यादा दिया था, पकने के बाद थोड़ा है। ये देखो ये घर का अंदर घुस जाएगा तो ना पैसा आता है। पैसा आएगा हम लोग का घर में? कितना आएगा पैसा देखो, इतना आएगा। स्कूल होने से आप बहुत थक जाते हो ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत है और एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों आप लोगों ने स्नेल और बैंगन के साथ जिंदगी में खाया है कि नहीं खाया? आज मैं बनाने जाऊंगी, आप लोग भी देखते रहे ब्लॉग को, आप लोग भी सीख सकते हो, आप लोग भी खा सकते हो। मैं बनाने जाऊंगी अभी। और यहाँ है स्नेल, पहले से मैं भिगो के रखी हूँ ताकि गंदगी निकल जाए। अभी दोंगी स्नेल को दोस्तों, मिलते हैं धोने के बाद। तो यहाँ धो के रख दिया है दोस्तों। सब्जी भी अभी नहीं पका रही हूँ, मैं धो के रखी हूँ। मैं आप लोग को बाहर का नजारा थोड़ा दिखाती हूँ दोस्तों। इतना गर्मी है, इतना गर्मी और खूबसूरत भी है बहुत। यहाँ देखो, और मैंने सुबह उठ के कपड़ा भी सुखाने के लिए दिया था, खाल धो के रखे थे रात को। यहाँ देखो सूरज, ओ माय गॉड, इतना खूबसूरत है ना। और काफी धूप है दोस्तों, और है हम लोग का स्वीट सा होम। खाना खा के पैर के नीचे रहेंगे, इतना ठंडे है ना, आम का पैर में और कतल का पैर में, ऐसे वही जगह में रहते, बैठ के रहते, हवा खाते। इतना गर्मी है यहाँ दोस्तों, इस टाइम में घूमने के लिए ना मत आना। लेकिन लुंगले आइजल तो बहुत ठंडी है, मौसम अच्छी है, हवा भी आती है। और यहाँ पे ना गांव में इतना गर्मी है, इतना गर्मी है। और यहाँ है बैंगन, कल मनत का पापा का दोस्त ने बोला था बैंगन खाएगा करके, और मैंने 10 रुपया का खरीदा था, वो कल बनाया था और यही बचा था, और ऐसे फ्री में मिला है। और यहाँ पे कुछ पत्ते हैं दोस्तों, मुझे नाम हम लोग का लैंग्वेज में तो मालूम नहीं, हम लोग का लैंग्वेज में भी भूल गया। देखो ये पत्ते हैं ना, ऑयल के साथ फ्राई करते हैं, इतना स्वाद होता है, इतना टेस्टी होते हैं। आप लोग खाते हो कि नहीं खाते हो मुझे मालूम नहीं है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। पूरा ऑर्गेनिक के एक दादी ने ना यहाँ ये वाला पत्ते बेचने के लिए आया था, इतना पहाड़ चढ़ के आया है हम लोग का पास, उम्मीद लेके आया है खरीद के करके, इसलिए मैंने खरीदा था। उतना भी पसंद नहीं है मेरे को, फिर भी मैंने खरीदा था। वो बोल रहा था पूरा दिन ढूंढा था, फिर सिर मिला था, 4 बंदा मिला था, एक मैंने ले लिया है और मैंने कॉल करके 2 बिक्री कर दिया है, और वो बहुत खुश हुई है। देखो कितना पत्ते, देखो ये बहुत महंगे होते हैं लोंगले में, तो इतना ही, इतना नहीं तो इतना ही तो 50 ऐसे बेचेगा, बहुत सारा है। ये बोल रही है गांव का है, सब गांव में ज़्यादा देना चाहिए, ऐसे बोल रही है। दोस्तों बापू खाना मांग रहे थे, इसलिए मैंने उसके लिए खाना दे दिया है। देखो खा रही है बापू, खाना खा रही है, टेस्टी है बाबा, ओ बहुत टेस्टी है बाबा। देखो अंडा के साथ मिक्स कर दिया था, और मैंने जो सब्जी बना रहे थे ना, बनाने वाला थे ना दोस्तों, वो मैंने फेंडिंग में रखे हुए है। और अभी बापू का सब यहाँ पे फ्राई किया था ना, वो थोड़ा बचा है अंडा, और अभी मैं काम तैयार करती हूँ। बने रहे ब्लॉग पे, और जो भी भाई लोग चैनल पे नया देख रहे थे प्लीज सब्सक्राइब करो दोस्तों, सपोर्ट करो हम लोग को। और यहाँ है ऑर्गेनिक मिर्ची, बिल्कुल ताजा ताजा, यही से पकाएंगे आज। ये मनोज का पापा एक फाव ले लिया था, और हम लोग बहुत दिन हो रहे हैं फिर भी खा रहे हैं। देखो थोड़ा लेने से भी होते हैं हम दोनों के लिए, और कच्चा मिर्ची से पकाएगा तो बहुत टेस्टी होते हैं। अभी जो भी डालना है सब दिया है, अभी दिया है चूल्हा में, उबालने दो, उबालने के बाद डालेंगे दोस्तों। क्या बाबा? ओ ओ गुड बोल रही है, गुड टेस्टी है बाबा। और यहाँ स्नेल बैंगन सब डाल दिया है, देखो पूरा ग्रीन 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 ग्रीन, पूरा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, खाने के लिए मजा आएगा आज तो। उबाल रही है, देखती हूँ खुल के कैसा हुआ है। ढक के रखती हूँ और पकने दो, मुझे करनी है इंतजार। यहाँ है लेमन बेसल सूखा हुआ, मैंने घर पे रखी है,
सुखा के रखी है और डालती हूँ। बिल्कुल ग्रेवी ग्रेवी हुआ है दोस्तों, देख सकते हो। इतना खुशबू आ रहा है ना दोस्तों, अभी खाने के लिए मन हो रही है मेरे को। क्या लाजवाब, वाह। इतना जिंदगी में ना आज का स्मेल का सबसे ज्यादा टेस्टी होगा। व्हाट हैपेंड बाबा, व्हाट, क्या बाबा, क्या आपसे बात करेगा तो नहीं होगा, या मेरा पानी सूख रहा है। थोड़ा नमक देना है दोस्तों। और हो चुकी है बैंगन का और स्नेल सब्जी मिक्स, अभी ढक के रखूंगी दोस्तों। तो है ना, मैं सब्जी निकालते निकालते और बापू ने क्या देखा है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखो, पुको पुको बोलते हैं ये, हम लोग का सकमा लोग बोलते हैं। ये खीरा अंदर घुसेगा तो, घर के अंदर घुसेगा तो मतलब पैसा मिलता है, लगता है हम लोग को भी पैसा मिलने वाला है। यहाँ देखो, और पहले से हम लोग बोलते हैं ना मनोज का पापा और मैं, ऐसा फूक देखने से लगता है हम लोग के पास पैसा आएगा ऐसे बोलने से। अभी बापू को मालूम हो गया, ये पहले, ये तो पहले देखा है और मेरे को बोल रहे है मम्मा ओ पे ठेंगा फूक आया ऐसे बोल रही है। हम लोग का मतलब ठेंगा मतलब पैसा, और पैसा का खीरा आया है ऐसे बोल रहे है मेरे को। फिर मैंने देखा है तो हाँ सच में यार, ये देखो ये आएगा तो ना, ये घर का अंदर घुस जाएगा तो ना पैसा आता है। बापू ने देखा है, ओ बापा पैसा आएगा, पैसा आएगा हम लोग का घर में, कितना आएगा देखाओ पैसा। ए दूधू पकड़ रही है, कितना आएगा पैसा देखो, कितना आएगा बोलो, इतना आएगा ना पैसा। क्या लेगा आप पैसा से, साइकिल लेगा बोला था ना, साइकिल। क्या लेगा पापा को बोलो क्या लेगा। दोस्तों मैंने रेस्ट कर लिया है थोड़ा, रेस्ट करने के बाद और अभी पका रही हूँ मैं इसको, जो पत्ता का फ्राई कर रही हूँ। ये बहुत टेस्टी होते हैं बोलता है हम लोग, में पता नहीं खाया है कि नहीं खाया है, भूल गया। ये देखो कितना ज्यादा दिया था पकने के बाद, थोड़ा है देखो। दोस्तों मेरा पति देव पहुंच गई है, आज तो जल्दी पहुंच गई है 10 बजे। देखो पूरा थक चुकी है, ये बोल रहे थे सुबह मॉर्निंग स्कूल होने से आप बहुत थक जाते हो ना, क्योंकि पूरा दिन भूखे रहना, 6 बजे जाते हो से 10। लेकिन वो इतना देर तो नहीं है, 3-4 घंटा फिर भी भूख लग जाता है, सुबह से कुछ नहीं खाता। हाँ इसलिए तो बोल रही हूँ, और मैं बोल रही हूँ ऑडियंस के सामने बोल रही, एक पैसा आएगा तो एक छाता खरीदूंगा आपके लिए, क्योंकि आपके पास छाता नहीं है ना, काफी धूप है, काफी धूप है दोस्तों यहाँ पे, बहुत धूप है। हाँ अभी रेस्ट करेगा, रेस्ट करने के बाद खाना खाएगा। और यहाँ डांस चल रही है, यहाँ पे देख देख के करते है ना, डांस करो। और यहाँ मनत का पप्पा खा रही है खाना और मेरा थाली यहाँ है, बहुत भूख लग रहा है गाइस। हाँ मनत का पप्पा स्नेल जो है ना कल बनाए थे ना, उससे ज्यादा ये टेस्टी है ना, बैंगन के साथ। ये देखो ये खाना खाया है और सेन से खाना खाने नहीं दे रहे उसका पापा को। ये देखो ये देखो ये देखो, ऐसा शैतान है ना, ये बहुत शैतान है। ओए लाइट भी चला गया दोस्तों, फैन ऑफ हो गया, बेचारे को अभी गर्मी से खाना खाना पड़ेगा। अभी मुझे भी खानी है भूख, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, क्योंकि 10 बज गया। मैं आज मनत का पापा के लिए रुकी हूँ रोज, वो अकेले में अकेले खाना खाते है ना। ये पत्ता है ना बहुत टेस्टी है, सास में बहुत टेस्टी है ना ये पत्ता। ये ऑयल का शीश नहीं खाते है ना, इसलिए उसको इतना टेस्टी नहीं आते, मुझे तो बहुत टेस्टी लगते है। अभी शाम हो चुकी है दोस्तों, मनत का पापा वीडियो एडिटिंग किया है और अपलोड भी किया है, और फोन को चार्ज लगा दिया है मैंने, तो रहा हुआ है 24% हुआ है, और अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं।
और यहाँ है लाई पत्ते, देखो मैंने लिया है ये 20 रुपया और ये 10 रुपया। इतना ताज़ा ताज़ा है ना, कल तो चावल का ग्रेवी बना के खाएंगे दोस्तों इसके साथ। रात भी हो चुकी है, मनत का पापा आया है, वो तो कैरम बोर्ड खेलता है ना वहाँ पे, देखो ये बहुत कैरम बोर्ड खेलता है, नहीं दिखाई दे रहा इसको। और मैं अभी राइस दिया हूँ और सब्जी भी बना दिया है यहाँ पे, लाई पत्ता कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, ये मॉर्निंग में दिखाया था आप लोग को वो फ्राई किया हुआ साग। और मैंने राइस दिया है, मुझे भी नहाना है, बापू और मन का पापा पहले नहाएगा, नहाने के बाद मैं नहाऊंगी।